हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। पू रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे नारियल से बहुत ही टेस्टी कोफ्ता। कोफ्ता तो आप बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे नारियल से कोफ्ता, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पूजा हुआ था तो बहुत सारे नारियल बच चुके थे, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, चलो आज बनाती हूँ नारियल के कोफ्ते। इसे बनाने के लिए पहले इसको मैंने इसके ऊपर के छिलका को उतार लिया और इसे फोड़ कर, उसके बाद मैंने टमाटर तीन लिया है, तीन प्याज, काजू, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, उसके बाद इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया। उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया, उसमें इलायची, काली मिर्च, लौंग और आपके पास जो भी खड़े मसाले हो, दालचीनी वगैरह डाल सकते हैं। गरम तेल है, उसको निकाल कर एक कटोरी में दो चम्मच और एक चम्मच मैंने कश्मीरी लाल ऐड करके उसे मिक्स करके रख देंगे, उसे बाद में काम लगेगा। उसके बाद तेल में हमने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद टमाटर भी ऐड कर दिया। टमाटर डालने के बाद आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसको थोड़ी देर भूनते रहना है आपको। जब अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी लाल ऐड करके मिक्स करके, उसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करके इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दीजिए। काजू डालना भूल गई तो मैंने काजू डालकर थोड़ी देर और पका लिया। उसके बाद इसको, ये हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका है, अब गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलते हैं अगली प्रोसेस की। इसके बाद मैंने नारियल को पतला पतला कट करके इसको पीस लिया था। अगर पीसने में कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने सारा पीस के रेडी कर लिया। हम उसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड बॉयल किया हुआ आलू, साथ में मैंने बेसन ऐड किया है। चाहे तो आप भुना हुआ चना पीस के ऐड कर सकते हैं, नहीं तो भुना हुआ बेसन ऐड करिए, आपके पास जो भी हो। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट, हमने हल्दी, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा मसाला ऐड करके इसे अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। अगर आपको बेसन और लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह आपको छोटा छोटा बॉल बना के रेडी कर लेना है। सारे बॉल को मैंने इस तरह बना के रेडी कर लिया। उसके बाद बेसन को मैंने थोड़ा रखा था। बॉल को इस तरह बेसन में आप लपेट दीजिए अच्छे से। उसके बाद इसे गर्म ऑयल में आप फ्राई कर लीजिए। इस तरह मैंने क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लिया। अब चलते हैं हम ग्रेवी बनाने। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद मैंने जीरा ऐड किया और सारे मसाले जो नॉर्मली होते हैं, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल, सारे मसाले को ऐड करके इसको अच्छे से इस तरह भून लेंगे। पहले वो भुनने के लिए मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, नहीं तो ऑयल में जल जाएंगे हमारे मसाले सारे। उसके बाद जो मैंने टमाटर और वो सब पकाया था, उसका इस तरह मैंने प्यूरी बना लिया था, उसको ऐड कर देंगे। देखिए कितना थिक ग्रेवी बन के रेडी हुआ है। आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसे पका लीजिए 5-6 मिनट। ये पक के रेडी हो चुका है ग्रेवी हमारा। हम बॉल को नहीं ऐड करेंगे, जब आपको खाना हो तुरंत आप डालिए, तुरंत परोसिए गर्म गर्म। तो इसके लिए मैं आपको प्लेट में निकाल के बताती हूँ। प्लेट में मैंने ग्रेवी निकाला, उसके ऊपर इस तरह बॉल रख कर थोड़ा सा ग्रेवी और ऐड कर दिया। उसके ऊपर मैंने जो कश्मीरी लाल और ऑयल को मिक्स करके रखा था, उसको ऐड कर देंगे। इससे देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखिए लग रहा है एकदम ढाबे वाला कोफ्ता। इस तरह आप बनाइए और इन्जॉय करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।